साथियों नमस्कार। अभी अभी की सबसे बेहद बुरी खबर निकल कर आ रही है, पूरे परिवार को साथियों काट दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह की दर्दनाक खबर है जिसमें साथियों पूरे के परिवार को काट दिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी की जो खबर निकल कर आ रही है भिलाई से दुर्ग में कुम्हारी से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के कपसदा गांव में किसी ने पति पत्नी और दो बच्चों को निर्मम हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही SP डॉक्टर दुर्ग बुजुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। प्रारंभिक जांच में संदेह की हत्या एक ही व्यक्ति ने की है, जिस कुल्हाड़ी से वार किया गया था वो बरामद कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक कुम्हारी थाने से महज 6 किलोमीटर दूर कपसदा गांव में पूनाराम टंडन की बाड़ी है। वहां उड़ीसा के बालांगीर के आगे 34 वर्षीय भोला नाथ यादव अपने परिवार सहित रहता था। भोला की पत्नी नैना व उसके 7 और 12 साल के 2 बच्चे मुफ्ता और प्रमोद भी साथ रहते थे। वह परिवार बाड़ी के ही बने मकान में रहता था। भोला और उसकी पत्नी दोनों यहाँ खेतीबाड़ी करते थे। गुरुवार सुबह जब कुछ ग्रामीण इस ओर पहुंचे तो भोला का शव मकान में पड़ा मिला। अंदर उसकी पत्नी दोनों बच्चों की लाश थी। सभी के सिर और शरीर पर कुल्हाड़ी के वार निशान थे। इसी बीच बुधवार गुरुवार को देर रात को अज्ञात व्यक्तियों ने वहां पहुंचकर कुल्हाड़ी के चारों के सिर को वार किया, जिससे चारों की मौके पर मौत हो गई। सुबह जब लोगों ने देखा तो पूरे गाँव में दहशत फैल गई। खबर लिखे जाने तक पुलिस मामले की जाँच कर रही है।